जी हां, खबर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से जुड़ी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मनोदशा इन दिनों कितनी हिंसक होती जा रही है, इसकी परेशान करने वाली खबर लखनऊ से आई, जहां छठी क्लास की एक छात्रा ने पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया ताकि स्कूल में छुट्टी कराई जा सके। कुछ महीने पहले गुरुग्राम में भी ऐसी घटना हुई थी। इस तरह की बढ़ती घटनाएं जाहिर तौर पर चिंता पैदा कर रही हैं। बचपन पर क्यों लगा ग्रहण, क्यों हिंसक हो रहे हैं नौनिहाल? मासूम बचपन को किससे खतरा? लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा ये मासूम उस गुस्से का शिकार बना है जिसकी कल्पना तक हम अपने सपने में भी नहीं कर पाते। पहली क्लास में पढ़ने वाले इस मासूम को उसी के स्कूल की छठी क्लास की छात्रा ने चाकू से गोद दिया। जिस छात्रा को ये मासूम दीदी कहता था, उसने बस एक दिन स्कूल की छुट्टी कराने के लिए इस मासूम को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। स्कूल पहुंचे बच्चा कहाँ था? यहीं ट्रामा सेंटर में जी। बच्चे की किसी चीज से मारा गया है क्या? हाँ, चाकू से। चाकू से मारा गया है। कहाँ कहाँ पे, कितनी जगह चोट के निशान है? यहाँ पे है शरीर में। बच्चे की स्थिति क्या है? बच्चा नहीं है। 7 साल के मासूम के साथ हुई दिल दहलाने वाली ये घटना लखनऊ के ब्राइटलैंड स्कूल की है। ब्राइटलैंड स्कूल में पहली क्लास के छात्र पर मंगलवार को चाकू से गोद दिया गया। आरोपी छात्रा ने मासूम को चाकू से गोद कर बाथरूम में बंद कर दिया, लेकिन जब एक टीचर ने बाथरूम से खटखट की आवाज सुनी तो बच्चे को निकाला गया। लहूलुहान बच्चे को जब बाथरूम से निकाला गया तो उसके हाथ बंधे थे, लेकिन हद तो ये हो गई कि स्कूल प्रशासन ने 24 घंटे तक इस मामले को पुलिस से छिपाए रखा। पुलिस ने नाबालिग आरोपी छात्रा के साथ सबूत छुपाने के आरोपों में स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना अपने आप में पूरे समाज को झकझोरने वाली है और स्कूल प्रबंधन की भी इसमें लापरवाही रही कि जब घटना परसों हुई तो उनको परसों हमें बताना चाहिए था, उन्होंने कल इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया है। मासूम बच्चे के साथ घटी इस दर्दनाक घटना की खबर लखनऊ से दिल्ली तक फैली तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बच्चे का हालचाल जानने अस्पताल पहुंच गए। बिस्तर पर पड़े मासूम को इस बात का जरा भी इल्म नहीं होगा, उसे देखने सूबे का सबसे बड़ा सरदार आया है। उसे तो बस अगर किसी की याद सता रही है तो अपनी मां के आंचल की। लखनऊ के ब्राइटलैंड स्कूल की इस घटना ने प्रद्युमन हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। गुरुग्राम के रयान स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाले प्रद्युमन की हत्या स्कूल के एक छात्र ने की थी। प्रद्युमन की हत्या भी सिर्फ स्कूल की छुट्टी कराने के लिए कर दी गई। प्रद्युमन को भी चाकू से ही गोदा गया था और उसका लहूलुहान शव भी बाथरूम में ही मिला था। गुरुग्राम और लखनऊ के बीच भले ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन स्कूली बच्चों में एक जैसी हिंसक प्रवृत्ति कई सवाल खड़े करती है। सवाल बच्चों की परवरिश और समाज के बदलते परिवेश पर है। काम के बोझ में दबे माँ बाप जहाँ आज बच्चों से दूर हो रहे हैं, तो वहीं टीवी, मोबाइल और आईपैड बच्चों के नए साथी बन गए हैं। गेम और कार्टून बच्चों को ऐसी तिलस्मी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां रोमांच के नाम पर हिंसा परोसी जा रही है, जिसका गहरा असर बच्चों के दिलो दिमाग पर पड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि विकास और तरक्की के अंधी दौड़ में हम कहीं इतने आगे ना निकल जाएं कि हमारे अपने मासूम बच्चे ही हमसे दूर हो जाएं। बच्चों के साथ वक्त बिताना और उनकी हरकतों पर नजर रखना माँ बाप के लिए बेहद जरूरी है, वरना कोई मासूम कब गुनहगार बन जाएगा इसका पता तक नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।